ये जो बुजुर्ग महिला की आंखों में आंसू आप देख रहे हैं, ये आंसू हैं बेबसी के, लाचारी के, हताशा के। ये आंसू सरकार के खोखले वादों की पोल खोल रहे हैं कि सरकार कोई भी हो लेकिन इस बुजुर्ग महिला को आश्वासन के सिवा कुछ दे ना सके। सरकारें भले ही बुजुर्ग को सम्मान देने के बड़े बड़े वादे करती हो लेकिन हिमाचल में जमीनी स्तर पर ये दावे खोखले नजर आते हैं। एक बूढ़ी मां जिसके आशियाने पर खतरा मंडरा रहा है, वो दर दर की ठोकरें खा रही है, आज से नहीं बल्कि 2014 से। सरकार कोई भी हो, सीएम कोई भी रहा हो, अधिकारी कोई भी हो, इस बूढ़ी मां के हिस्से अगर कुछ आता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ निराशा और आश्वासन। शिमला के रामपुर से एक बुजुर्ग मां की अनदेखी का मामला सामने आया है जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। बुजुर्ग महिला साल 2014 से सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रही है लेकिन कोई सुनवाई नहीं। सरकार बदली, मुख्यमंत्री भी बदले लेकिन आश्वासन वही रहे। लेकिन इस माता ने उम्मीद नहीं छोड़ी, इसलिए एक बार फिर चली आई शिमला अपनी फरियाद सुनाने। नाम बताएं। मेरा नाम इलम देवी है, मैं कसौली से आई हूँ, जिला शिमला ही है, नारायण से आ रही हूँ। हमारी तहसील रामपुर है और मिनी तहसील तकलेच में है और नारायण के साथ ही में हमारे गांव है एक जो कसौली बोलते हैं, वो सड़क के साथ कितने 2014 से लेकर मैं गोहाट लगा रही हूँ, अभी तक डंगा नहीं लगाया। 2018 को बुरी तरह से गिर गया, मेरे तीन मंडल से रिया दब गया, 5 साल हो गया सबसे गवाट लगा लगा के, बड़ा मुश्किल से अभी 2 मंडल निकाला, अभी 1 मंडल उसी में रहता है सरिया। और अभी कटिंग किया कि मेरे पत्थर तैयार है, मैंने डंगा लगाना है करके, और एक भी पत्थर नहीं आया और सारा का सारा फिर नीचे आ गया, और अभी भी जमीन ऐसे गिर रहा है। और मकान में मेरे दरारें आई है, मकान अभी मेरे तैयार ही नहीं हुई है, दरारें आई है, मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ गवाट लगाऊँ। किस किस के पास आपने इसको लेकर? सीएम साहब से लेकर सबके पास, डीसी के पास, सीएम के पास, एसडीएम के पास, अभी हाल ही में एसडीएम के पास, एससी के पास, एससी नेगी है वहाँ रामपुर में, वहाँ तक गई हूँ। पीडब्ल्यू वालों के पास भी मैं 2-3 चक्कर लगाई हूँ, तकलेच में भी गई, वहाँ पर भी गई। सीएम हेल्पलाइन पे आप फोन करते हो तो क्या जवाब मिलता है? बोलते हैं आपके काम जारी है, अब लगने वाला है, अभी तक कोई नहीं आए। मैंने कहा अभी तक कोई नहीं आए, आप लोग मौका देखो ना, मैं कौन होती हूँ बताने वाला, प्रगति खुद गवाही देगी। कितना खतरा, और घर में क्या अकेले रहते हैं? मैं अकेली हूँ बेटा, बिल्कुल, बाद में तो सब हाथ खड़ा ही करेंगे ना, जब सब कुछ हो जाता है उसके बाद जागते हैं हमारे। तो सीएम से क्या नहीं, मैंने बोला डंगा लगाने हाँ जा रही है आपकी डंगा लगने वाली है कहते 2014 से लेकर आज 2022 हो गया बेटा। कितनी जगह में जो है डंगा लगना, कितना एरिया है? ये 25 मीटर कम से कम होगा बेटा। क्या मांग रहेगी मुख्यमंत्री से? मैंने यही बोला कि डंगा लगा के दे दो, यही बोला था मैंने, हाँ लगने वाला लग रहा है अभी तक तो कोई नहीं लगाने आया। सरकार से भी क्या गुहार लगा रहे हैं आप? क्या मैं सरकार से यही गुहार करती हूँ कि मेरे बनी बनाई मकान, मेरे 6 लाख रुपए लग गया बेटा उसमें, 6 लाख रुपए लग गया है, अभी और लगने वाला है, मकान में दरारें आ गई है, मकान को खतरा है मेरे। दरअसल रामपुर के सुंगरी इलाके की इलम देवी के आशियाने पर खतरा मंडरा रहा है। लोक निर्माण विभाग ने डंगा लगाने के लिए खुदाई भी कर दी, इसके बाद विभाग शायद डंगा लगाना ही भूल गया। खुदाई की वजह से इलम देवी के छोटे से आशियाने पर खतरा मंडरा रहा है। विभाग की खुदाई के बाद छोटे से सेब के बगीचे पर भी संकट के बादल छाए हुए हैं। मुख्यमंत्री से लेकर प्रशासन के पास गुहार लगाने के बावजूद लोक निर्माण विभाग के कान पर जू ना रेंग सकी। शिकायत कई बार मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी की गई लेकिन कोई असर ना तो अधिकारियों पर पड़ा, ना ही नेता कोई सुध लेने जा रहा है। 58 साल की इलम देवी दर दर की ठोकर खा रही है लेकिन ना जाने सरकार कब इस बूढ़ी मां की मदद करेगी, ना जाने कब इन आंसुओं की जगह
इस माँ के चेहरे पर मुस्कान आएगी।